क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक काफी फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जो कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेयर बन गए हैं। ये गरीब परिवार में जन्मे पर कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में महज 18 साल की आयु में ही हो गया था। लेकिन आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस मुकाम पर हैं, इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इन्होंने अपने जीवन में काफी स्ट्रगल भी किया है। तो दोस्तों, आज दीपावली चैनल में हम आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बताने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी सन 1985 में पुर्तगाल में हुआ था और इनके पिता का नाम जोस टिनस है। ये एक माली के रूप में कार्य करते थे। इनकी माता का नाम मारिया है और वो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के परिवार में इनके माता के अलावा इनका एक भाई है और दो बहनें भी हैं और ये अपने भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। रोनाल्डो के कुल 4 बच्चे हैं। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की है। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 वर्ष के थे तो उस समय इन्होंने अपने एक स्कूल टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी और ऐसा करने के कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके पिता ने यूएस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा है। दरअसल यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक अभिनेता भी हुआ करते थे और क्रिस्टियानो के पिता इनके बहुत बड़े फैन थे, इसलिए जब रोनाल्डो का जन्म हुआ तो इनके पिता ने इनका नाम अपने पसंदीदा एक्टर के नाम पर रख दिया था। रोनाल्डो बचपन में रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रस्त थे और जब ये 14 वर्ष की आयु में फुटबॉल खेलना सीख रहे थे तो उसी समय इनको अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला था। इस बीमारी के चलते क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना असंभव हो गया था, लेकिन रोनाल्डो के परिवार वालों को जब इनके इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रोनाल्डो का इलाज करवा दिया था और अब आप देख ही सकते हैं कि ये किन ऊंचाइयों को छुए बैठे हैं। रोनाल्डो शराब, सिगरेट या किसी भी तरह का अन्य नशा नहीं करते हैं। बचपन की बात करें तो रोनाल्डो एंडोरिना टीम का हिस्सा हुआ करते थे और इन्होंने इस टीम के लिए सन 1992 से लेकर सन 1995 तक खेला हुआ है। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के सपोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बन गए थे और इस दौरान इनके खेल से खुश होकर इनको सपोर्टिंग की युवा टीम के मैनेजर द्वारा पदोत्तृत किया गया था। महज एक साल के अंडर ही रोनाल्डो ने इस क्लब की अंडर 16 टीम, अंडर 17 टीम, अंडर 18, बी और फास्ट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था। इस क्लब की ओर से इन्होंने अपना पहला प्रीमियर लीग मैच साल 2002 में खेला, जो कि मोरेरेनस फुटबॉल क्लब के विरुद्ध था। इसी दौरान सपोर्टिंग क्लब की टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम के बीच एक मैच हुआ था। इस मैच में सपोर्टिंग क्लब की टीम को 3-1 गोल से जीत मिली थी और इस मैच में रोनाल्डो ने ही अकेले 2 गोल किए थे। इस मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को अपनी टीम में लेने का फैसला कर लिया था। साल 2003 में रोनाल्डो का मैच देखने के बाद सर एलेक्स, जो कि महान फुटबॉल प्रबंधकों में से एक थे, वो चाहते थे रोनाल्डो इंग्लैंड की ओर से फुटबॉल मैच खेले और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बने। सर एलेक्स के अलावा इंग्लैंड के महान फुटबॉल प्लेयर रियो भी रोनाल्डो को अपनी टीम के साथी के रूप में देखना चाहते थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनने के बाद इन्हें कई तरह की ट्रेनिंग दी गई थी और इसी ट्रेनिंग की मदद से रोनाल्डो अपने खेल को और निखारने में कामयाब हुए थे। रोनाल्डो के अच्छे प्रदर्शन के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने फिर से इनके कॉन्ट्रैक्ट को और बढ़ा दिया था और इस बार इनको यूरो 31 मिलियन में खरीदा गया था। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के बाद रोनाल्डो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल अपने नाम किए थे और अपनी टीम को 3 प्रीमियर लीग ट्रॉफीज जिताने में मदद की थी। साल 2006 से लेकर साल 2008 का फेस रोनाल्डो की जिंदगी का काफी अच्छा फेस साबित हुआ था और इसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो को जर्सी नंबर 7 दी थी। ये जर्सी नंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के महान खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ था।
इसलिए क्रिस्टियानो ये जर्सी लेने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी उनको नंबर 7 की जर्सी दे दी गई। ये नंबर रोनाल्डो के लिए काफी लकी साबित हुआ और धीरे धीरे रोनाल्डो को CR7 के नाम से बुलाया जाने लगा। बैलन डी ओर अवार्ड फुटबॉल खेल जगत का सबसे उच्च अवार्ड है। इस अवार्ड को रोनाल्डो ने कुल 5 बार जीता हुआ है। 5 बार वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम है। रोनाल्डो पहले ऐसे फुटबॉलर भी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लीग के लगातार 2 स्तरों में 40 गोल किए हैं। रोनाल्डो ने अपने करियर में कुल 654 गोल कर चुके हैं। रोनाल्डो एक सफल खिलाड़ी होने के अलावा एक समाज सेवक भी हैं। ये कई तरह की समाज सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं और समय समय पर चैरिटी करते रहते हैं। साल 2012 में रोनाल्डो ने इन्हें मिले हुए गोल्डन बूट अवार्ड को नीलाम कर दिया था और इस नीलामी से जो भी पैसा इन्हें मिला था, इन्होंने उस पैसे से गाजा में एक स्कूल बनवा दिया था। रोनाल्डो की कई सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, जिनमें से बिपाशा बसु भी हैं और नेरेडा भी हैं, सोराया भी हैं। जॉर्जिना इनकी करंट गर्लफ्रेंड है जिनको ये अभी डेट कर रही हैं। माना ये भी जा रहा है कि रोनाल्डो जल्दी ही जॉर्जिना से विवाह करने वाले हैं। साधारण आम व्यक्ति की तरह अपने जीवन जीने वाले रोनाल्डो को पुर्तगाली खाना खाना काफी पसंद है। रोनाल्डो जितने प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, उतने ही ये विवादों से भी घिरे रहते हैं। हालांकि इन विवाद का असर कभी भी इनके करियर पर नहीं पड़ा। साल 2005 में रोनाल्डो पर रेप करने का आरोप भी लगा था और वो इस आरोप में गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने खेल और कई विज्ञापनों के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं। इसके अलावा रोनाल्डो का CR7 नाम का एक ब्रांड भी है और इस ब्रांड के तहत कई तरह के सामानों को बेचा जाता है। क्या आप जानते हैं कि रोनाल्डो की माँ इनको बचपन से क्राई बेबी के नाम से पुकारा करती थी। इसकी वजह ये है कि जब कोई फुटबॉल खेलते समय इन्हें पास नहीं दिया करता था तो उस समय ये रोना स्टार्ट हो जाते थे। रोनाल्डो अपने बच्चों के साथ काफी समय बिताते हैं, बल्कि ये अपने बड़े बेटे को बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में भी साथ लेकर जाते हैं। रोनाल्डो की वैल्यू का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि ये 45 घंटे में 8 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। रोनाल्डो की पहचान केवल एक खिलाड़ी तक ही सीमित नहीं है और ये अपने समाज कार्यों के लिए भी काफी जाने जाते हैं। रोनाल्डो समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए पैसे भी दान किया करते हैं और इन्होंने सीरिया देश के खराब हालातों को सुधारने के लिए भी लोगों से अपील की थी। साथ ही ये हमेशा अपने खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी रहते हैं और अपनी टीम को हर मैच जिताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में उनकी जीवनी। चलते चलते आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछना चाहूंगी। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि रोनाल्डो एक बीमारी से पीड़ित हो गए थे। आपको हमारे कमेंट सेक्शन में उनको कौन सी डिजीज हुई थी उसका नाम लिखना है। अगर आप रोनाल्डो के सबसे बड़े फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप हमारे ट्विटर पर भी जाकर इनके बारे में पढ़ सकते हैं और इनके बारे में अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं या और भी इनके बारे में रोचक बातें पढ़ना चाहते हैं, तो दीपावली आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इनके बारे में और भी रोचक तथ्य वहाँ पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।